वेल दोस्तों, दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हैं और वो अपने बेबी बम को काफी अच्छे से फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि ये कहें कि दीपिका फिलहाल अपने बेबी मून को बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एंजॉय कर रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही पिछले दिनों दीपिका पादुकोण अपने पति यानी रणवीर सिंह के साथ लंदन में बेबी मून सेलिब्रेट करती हुई नजर आई, जहाँ की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई जो की अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब दीपिका वर्सेस कटरीना कैफ हो गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अब फैंस दीपिका और कटरीना को लेकर के बातें करने लग गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले कटरीना कैफ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जहाँ वो लंदन के सड़कों पर अपने हबीब विक्की कौशल के साथ में घूमती हुई नजर आई थी। ऐसे में ऑल ब्लैक में दोनों स्टार्स को देखा गया था और वहाँ पर कटरीना अपने बेबी बम्प को हाइड करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से कटरीना की प्रेगनेंसी की खबरें काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। लेकिन लंदन के सड़कों पर ही दीपिका पादुकोण ने अपने बेबी बम को जमकर फ्लॉन्ट किया है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर भी आज सुबह यानी मंगलवार को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को स्पॉट किया गया, जहाँ पर ये कपल ऑल इन ब्लैक में नजर आया और दीपिका पादुकोण ने जमकर अपना बेबी बम फ्लॉन्ट किया। वही कटरीना कैफ की बात की जाए तो वो अक्सर एयरपोर्ट पर अपने बेबी बम को हाइड करती हुई नजर आती है। बस फिर क्या था, कटरीना और दीपिका के बीच में वॉर्सेस स्टार्ट हो चुका है सोशल मीडिया पर। उनके फैंस दो तरफ बढ़ चुके हैं और दीपिका और कटरीना को लेकर के बातें करने लग गए हैं, और उनका कहना है कि दीपिका काफी अच्छी हैं, वो अपने बेबी बम को दुनिया के सामने फ्लॉन्ट कर रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कटरीना के लिए ये कहना है कि कटरीना ना जाने क्यों अपने बेबी बम को हाइड कर रही है। बता दें कि इसी तरह से सोशल मीडिया पर कटरीना और दीपिका के बेबी बम को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। वाला बताइए, दीपिका और कटरीना दोनों को ही पेरेंट्स बनते हुए, मम्मी बनते हुए देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।